बागेश्वर जिले में भारी बारिश के चलते अभी तक हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन अभी तक 82 लाख की सरकारी परिसंपत्तियों का नुकसान हो चुका है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने अभी तक हुए नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि मानसूनी बारिश में अभी तक सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व NH की सड़कों में हुए नुकसान का आकलन किया जा चुका है, जो कि 82 लाख रुपयों का है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बंद सड़कों को खोलने के लिए 49 JCB मशीनें तैनात की गई हैं। आपदा प्रबंधन के लिए NDRF व SDRF की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। जिलाधिकारी ने नुकसान की भरपाई के लिए शासन से धनराशि की मांग की है। ये जो परिसंपत्तियों का, चूंकि हम लोग अभी तक हमारे बागेश्वर में बहुत ज़्यादा, पिछले के कंपैरिजन में हम देखें तो बागेश्वर में इस बार मानसून कम रहा है, पिछले अगर वहाँ पिछले ईयर की तुलना में हम बात करते हैं तो, बाकी के जनपदों में जैसे अधिक बारिश हुई है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संपत्तियों का नुकसान नहीं है। जितना भी जो आकलन दिया है सिंचाई PWD दोनों डिवीज़न कपकोट बागेश्वर और NH, इन्होंने लगभग 82 लाख का हमें दिया है, तो वो 82 लाख का हम राज्य सरकार को भेज देते हैं, जो कि हम डिजास्टर वाले फंड से उसको दे देते हैं। उसके अलावा ओपनिंग कम्युनिकेशन का मद उनके पास ऑलरेडी पैसा पहले से ही रहता है, तो कहीं पर भी रोड ब्लॉक होती है, कुछ होती है, तो वो पैसा एडवांस में विभागों के पास रहता है, जिससे वो खोल देते हैं। दूसरा, जो भी बारिश की वजह से जो भी क्षति होती है, तो उसका आंकलन हम 2-3 दिन में करके उसको SDRF मद में हम लेते हैं। वो पर क्षति 2 लाख रुपए का आकलन होता है, जिसमें विद्यालयों में अगर कोई छट्टा पकने का काम है या विद्यालय की किसी की दीवार टूटी है, तो वो हमने प्रायोरिटी बेसिस पर सब बोल दिया है कि जितने भी विद्यालय हैं, जो भी ऐसे हैं, जो भी बरसात के कारण जिनका छट्टा पकने का काम है या कुछ है, तो वो उसको हमें आग्रहन करके हमें तुरंत हमारे कार्यालय में भेज दें, हम उसको तुरंत सैंक्शन करके उस पर इमिडिएटली वर्क स्टार्ट करा देंगे। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।